नाम प्रेम दायिने नामयाम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने त्रिभार सभान विधेहि दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदल श्रीगौरकर्णाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुग गुरुधाम सिद्धांत दंतहारिणी नमो गौरभीश्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरविभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः जयतां सुरतोरुपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भुजौ श्रीराधा मदनमोहनौ दिव्यदवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधौ श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठलिभिः सर्वमान स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी बंसीवटतटस्थित कर्षण वेणुसुनिर्वपि गोपीनाथ श्रेयस्तु न वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवनाला समा संसार दानी दग्ध जीव कुला उधर कारणी करुणा वारी दा कृपा वारी दानी बदले गुरु शरण कमल नित गीत वाद श्री हरि कीर्तन रहे नमगन मंदिरा मार्जनी करेननी दुर्गा अरुणा सजनी वंदिते गुरु चरण कमल सर्वसुर सलेह पेया रस मय प्रसारण कृष्ण आदि स्वरो हरि भक्त स्वादनी लीला स्वादनी लोक चित्र
Thank you.
Thank you.
हरी हे दयाल मोर जय राधनाथ Yeah.
कृष्णा देव भव
Thank you.
ज़्यादा जोर से टाइट नहीं करना क्योंकि वो उसका पेच है ना खराब हो जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते वैदग्धसिन्धोरनुरागैकसिन्धो वात्सल्यसिन्धुरतिसान्द्रकृपैकसिन्धो लावण्यसिन्धुरमृतचविकेलिसिन्धो श्रीराधिके स्फुरतु मे हृदि केलिसिन्धो वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब अस्वस्थ माने को अर्जुन ने बड़े बुरी तरह से अपमान कर दिया, पांच चोटी रखवा करके और मोड़ मुड़ा करके और उसका मणि छीन लिया। उसने क्या किया जब करके छोड़ दिया, इतने में इतने अपमानित तो हुआ, बोले पूरा पांडव वंश को मैं निर्वंश कर दूंगा। इसलिए उन्होंने पांच ब्रह्मास्त्र चलाया, पंच पांडव का प्रति पांच और द्रौपदी श्री उत्तरा को प्रति एक है। बोले उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु, अगर ये नष्ट हो गया तो श्री परीक्षित महाराज, अगर ये नष्ट हो गया तो इनका वंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब उत्तरा ने कृष्ण की शरण में गई तब ठाकुर जी उसको गर्भ में प्रवेश करते हुए अपना गदा घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके उन्होंने परीक्षित को उन्होंने प्राण दान दिया। जब प्राण दान दिए अभी कुंती ने ये चीज को दर्शन की, दर्शन करते हुए भगवान का जो ऐश्वर्य है उनको पता चला, देखो कृष्ण को अंदर में कितने ऐश्वर्य है, जो गर्भ में प्रवेश करते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया और बच्चे को उन्होंने मरे हुए बच्चे को प्राण दान दिया। इसलिए उनके ऐश्वर्य को देख करके इतने में कुंती दौड़ दौड़ करके कृष्ण को चरण में आई और कृष्ण को स्तुति कर रही है, जिसको कहते हैं कुंती स्तुति कहते हैं। बोले नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम मीश्वरम प्रकृति पर अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। वो क्या कहते? बोले नमस्ते। बोले हे प्रभु, आपका चरण में मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान की उन्होंने ऐश्वर्य बुद्धि देखा। लेकिन अगर हम विचार करें तो ये संबंध हमें क्या लगते हैं, कृष्ण कुंती क्या लगती है? कृष्ण की बुआ लगती है और कृष्ण क्या लगते हैं? भातीजा लगती है। अभी कौन किसको प्रणाम करनी चाहिए? कृष्ण को प्रणाम करनी चाहिए बुआ को,
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बुआ उल्टा उन्होंने कृष्ण को प्रणाम कर रही है, हैं? प्रणाम कर रही है। इतने में जब नमस्ते बोल करके प्रणाम की, इतने में कृष्ण कहते बुआ जी आप तो उल्टा गंगा बह रहे हो, कहा मुझे तुम्हें प्रणाम करनी चाहिए, तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। बोले कन्हैया यही तो तुम्हारी लीला है, कहा सारा दुनिया की नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, बोले तुम कौन हो, बोले आदि पुरुष है जिसको ब्रह्मा क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण प्रभु, आप तो आदि पुरुष हो, समस्त कारणों का भी जो कारण है, कारण दुगसाई गर्भ दुगसाई खिराबधिशाई वयोधिशाई शेष हैं संकर्षण बलदेव, इनका भी जो आदि कौन है, बोले ये कृष्ण है। बोले तुम तो ये माया को दर किसको बुआ बना दिया, किसको पिता बना दिया, किसकी मैया तुमने बना दी, और ये माया के चक्कर में तुम सबको डाल करके रखे हो, इसलिए तेरे को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं नमस्ते आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्यों, बोले पुरुष हम त्वाद्यम, तुम आदि पुरुष हो। बोले और क्या है, बोले ईश्वरम, बोले तुम ईश्वर भी हो, हैं तुम ईश्वर भी हो। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हैं, बोले ईश्वर भी तो बहुत ईश्वर है, इसलिए इंद्र को भी ईश्वर कहते हैं, है? इंद्र को भी ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी ईश्वर कहते हैं, शंकर जी को भी भगवान कहते हैं, कहते ना शंकर जी को भी ईश्वर कहते हैं। पर इसी जगत में अगर कोई राजा हो ना उसको भी ईश्वर कहते हैं, बोले ईश्वर की तो लड़ी लग झड़ी लगी हुई, ईश्वर तो बहुत सारे ईश्वर है। हाँ बोले नहीं ईश्वर नहीं, बोले प्रकृत है परम, तुम जो ईश्वर है ये प्रकृति से जो परे है। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, दैव जैसा गुणमयी मम माया दुरत्वया माम एवं जे प्रपदन्ते मायाम एताम तरंतिते, कदी जितने सारे ईश्वर है ना ये सब माया के अधीन हैं, लेकिन तुम कौन हो, बोले प्रकृति है पर, बोले ये प्रकृति से ऊपर है माया जिनकी अधीन में रहती है। इसलिए कहते हैं अर्जुन ये जो दैवी माया है ना इसको पार पाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है इस माया को पार पाना। शंकर भी स्वयं मोहिनी रूप देखकर पागल हो गए, ब्रह्मा जी अपना बेटी के प्रति आसक्ति हो गए, इंद्र अहल्या के प्रति आसक्ति हो गई, और विश्वामित्र मेनका के प्रति आसक्ति हो गई। इसलिए कहते हैं जो माया को द्वारा भगवान क्या कर रहे हैं, सारा दुनिया को नचा रहे हैं ठाकुर जी, हैं? इसलिए कहते आप कौन, बोले प्रकृति है पर, ये प्रकृति से ऊपर केवल आप ही हो और कोई प्रकृति से ऊपर कोई नहीं। बोले अलग सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थित, बोले अलग सम सर्वभूतानाम, कहते आप क्या है, बोले अलग सम सर्वभूतानाम, सभी भूतों का जो अलक्ष्य है, मतलब भगवान को जो प्राप्त है इतना आसानी नहीं भगवत प्राप्ति करना, इतने आसानी नहीं भगवत प्राप्ति करना, इसलिए सारे जीवों का जो अलक्ष्य है जिनको देखना, इसलिए भगवान को क्या पड़ता है अध्यक्षज, अध्यक्षज मतलब क्या, बोले अध कृतम अध्यजम ज्ञानम ज एव सह अध्यक्ष, बोले अध मतलब होता है नीचे, अख्यज मतलब होता है ये हमारी जो जड़ इंद्रिय हैं, ये जड़ इंद्रिय कहते ये इंद्रियों को आप छोड़ दो, ये इंद्रियां जहाँ तक पहुँच सकती हैं इसको छोड़ दो, लेकिन जहाँ तक जाकर के वो बंद हो जाता है उसको ऊपर में भगवान, मतलब ये अख्यज जड़ ज्ञान को जो नीचे करके उसको ऊपर में जो विद्यमान है वो कौन है, बोलिए भगवान श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, लगता सब सो रहे हो, कोई सो नहीं रहे ना, इसलिए कहते अलक्ष्यम, कहते सर्वभूतानाम, सब जीव का आप अलक्ष्य हो, है आपको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कहते अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थित, अब अंदर में भी अवस्थित और बाहर, कैसे, बोले जब जब परीक्षित महाराज को जो रक्षा करना पड़ा उन्होंने क्या किया, उत्तरा के पेट में उन्होंने प्रवेश किया, अंतर अंतर में उन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करते हुए अंदर में भी आप हो
बोले बहिर रूप में, मतलब अंदर में प्रवेश करते हो, ये तो परीक्षित को बचाया, लेकिन बाहर में क्या करते हो आप, हम लोगों को बचा रहे हो, हम लोगों को तुम बचा रहे हो। इसलिए अंतर बहिर बाहर और भीतर में आप विद्यमान हो और सबको रक्षा करने वाले हैं। बोले प्रभु आपको तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी आपको पहचान नहीं पाते हैं। बोले कृष्णाय वासुदेवाय, श्लोक याद है किसको, किसको याद? हाँ, इसलिए ये जो श्लोक है बहुत बढ़िया श्लोक है, इसमें बहुत अच्छे सिद्धांत को बताते हैं। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ बोले कृष्णाय, कृष्णाय मतलब है, कहते जितने सारे अवतारों में ये जो कृष्ण है ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इत्यचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं हैं। कहते कृष्णाय, ये जो श्लोक कह रहे हैं उसको पहले जो बता रहे हैं मैया कुंती कह रहे, बोले हे प्रभु यद्यपि आपको सब भक्त लोग आपको भक्ति करते हैं, सब भक्त आपको भक्ति करते हैं, लेकिन करने पर भी, लेकिन किसका भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति, लेकिन तुम्हें जो प्राप्त किया है हैं, सब भक्त तो आपको प्राप्त किया, लेकिन पूर्ण रूप में आप किसकी वशीभूत हुए, पूर्ण रूप में किसको प्राप्त हुए हो? कहते आप जैसे ब्रजवासियों को जैसे आप पूर्ण रूप में प्राप्त हुए हो, और किसी को इतने पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हुए। तो ये इसको बताने के लिए यहाँ पर कहते कृष्णाय, बोले सर्वश्रेष्ठ अवतार है, इसलिए कहते श्रेष्ठ कर, उसके बाद में बोले कृष्णाय, बोले वासुदेवाय, लेकिन आप सर्व कारण का कारण कृष्ण होते हुए भी, लेकिन आप कितने भक्तवात्सल्यता को इसमें प्रमाण कर रहे हैं, भक्तवात्सल्यता को बोले किया है। कहते आप तो जगतपति, वो जगन्नाथ है, जगत का पति है, लेकिन होने पर भी जगतपति होते हुए भी, लेकिन जगत का पिता कृष्ण, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, लेकिन उन्हें पिता किसको बनाया, बोले वसुदेव महाराज को उन्होंने अपना पिता बनाया, दुनिया पति पिता होते हुए भी वसुदेव को उन्होंने पिता रूप में स्वीकार किया, मतलब आप कितने दयालु। हाँ, लेकिन उसके बाद बोले वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय, बोले देवकी, उसके बाद में आती हैं देवकी, कहते इसका मतलब क्या है? कहते भगवान विश्व ब्रह्मांड दिखाया है, विश्व ब्रह्मांड उनके अंदर में, लेकिन कृष्ण जब आए किसकी पेट के अंदर में आए, बोले देवकी की पेट में अब आए, विश्व ब्रह्मांड तुम्हारी अंदर में, लेकिन तुम जब आए किसके गर्भ में आए, देवकी। यहाँ दूसरा अर्थ कहते हैं, कहते पिताजी का जितना सौभाग्य है उससे ज्यादा सौभाग्य किसका, माँ की, क्योंकि बच्चा माँ की पेट में रहता है, हैं, माँ जन्म देती है, और ज्यादा करके माँ को बच्चे को कौन लालन पालन करती है, कौन लालन पालन करती है, माँ करती है। इसलिए कहते पिताजी से माँ का सौभाग्य ज्यादा है, मतलब वसुदेव से भी ज्यादा सौभाग्य, यहाँ देवकी की ज्यादा सौभाग्य है, हैं। फिर उसको बाद में कहते हैं लेकिन इनसे ज्यादा सौभाग्यवान कौन है, बोले नंद, कहते उनसे ज्यादा सौभाग्य नंद, इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इसलिए उनसे ज्यादा नंद, क्योंकि कृष्ण तो प्रकट हुए केवल मथुरा में, लेकिन उनको लालन पालन किसने किया है, ठुमुक ठुमुक कर चलाना किसने सिखाया है, नंद जसोदा, इसलिए कहते उससे ज्यादा सौभाग्यवान नंद, लेकिन नंद बाबा से भी ज्यादा सौभाग्यवान कौन, बोले जसोदा, क्योंकि कृष्ण गर्भ में धारण की, जन्म दी, लालन पालन की, इसलिए नंद बाबा से ज्यादा सौभाग्य जसोदा की। बोले इनसे ज्यादा सौभाग्य किसकी, बोले गोविंदाय, ये गोविंद नाम किसने रखा, किसने नाम रखा, गोविंद नाम, कहते इंद्र ने कृष्ण का नाम गोविंद रखा है। बोले गोविंद नाम उन्होंने क्यों रखा, बोले गो मतलब होता है गोपी, इंद्रियां, गो मतलब होता है इंद्रियां, गो मतलब होता है वेद, गो मतलब होता है ग्वाल बाल, गो मतलब होता है वेद, गो मतलब होता है पृथ्वी है, बिंदति मतलब है ये सबको जो आनंद प्रदान करते, सबको जो आनंद देते हैं ये श्री गोविंद है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं यद्यपि ये सब कुछ आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसको आनंद प्रदान करते हैं, कहते ब्रजवासियों को सबसे ज्यादा, लेकिन ब्रजवासियों में भी सबसे ज्यादा किसको आनंद देते हैं,
बोले गोपियों को सबसे ज़्यादा आनंद देते हैं, लेकिन गोपियों को अंदर में भी अगर सबसे अगर किसको पूर्ण रूप में आनंद देते हैं, किसको? श्री राधा रानी को। इसलिए बोले गोविंद नंदिनी राधा है, गोविंद सर्वस्व, इसलिए गोविंदा नंदिनी राधा है जो गोविंद को आनंद देती हैं। अरे गोविंद भी जिसको आनंद देती हैं, हैं बोले गोविंदाय नमः नमः। देखो ये एक अर्थ हो गया, अच्छा दूसरा अर्थ को समझो, इसका दूसरा अर्थ को समझो जिसको लेकर के बड़े तर्क वितर्क होता है, हैं तर्क वितर्क किस चीज को लेकर तर्क वितर्क होता है। कहते हैं महाराज हैं हमारे जो बड़े गुरु जी भक्तिवेंद्र नारायण गोस्वामी महाराज, इसको लेकर के उन्होंने गोकुल में वहाँ जो पंडित लोग थे ना जिनके साथ में उन्होंने इसी श्लोक को लेकर के, और मथुरा में बड़े बड़े विद्वानों को साथ में उन्होंने ये सब शास्त्रार्थ किया जिसको विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं। अगर भागवत को कोई डायरेक्ट ग्रंथ भागवत को पढ़े ना, अगर पूछा जाए कृष्ण कहाँ प्रकट हुए हैं, सारा दुनिया क्या बोलेंगे कहाँ प्रकट हुए हैं? मथुरा में। कृष्ण कहाँ जन्म हुए प्रकट हुए, सबके सब एक ही बात बोलेंगे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं, कृष्ण और कृष्ण जन्म भी मथुरा में हुए हैं। लेकिन वो जो मूल रूप में जो उदाहरण देते हैं कौन सा श्लोक, यही श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक में कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय, कहते ना कृष्णाय वासुदेवाय, जो वसुदेव का बेटा वासुदेव है, इसी श्लोक को ही ज्यादा उन्होंने प्रमाणित करते हैं। लेकिन इसी श्लोक को से विश्वनाथ चक्र ठाकुर देखो किस रूप में व्याख्या करते हैं, बोले कृष्णाय वासुदेवाय, यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जो वासुदेव नाम लिया है, उन्होंने वासुदेव नाम किसके लिए लिया, क्या वसुदेव का बेटा के लिए? बोले नहीं, कद जो आठ वसु हैं, आठ वसु में जो सर्वश्रेष्ठ जो वसु है उसका नाम भी वसुदेव है। इसलिए जिस समय श्री नंद बाबा आए आने पर ये दोनों ने भी उपासना की थी ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा बोले क्या चाहते, बोले प्रभु हम चाहते हैं जैसे एक स्वाभाविक रूप में बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है, मेरे गर्भ से भी ठाकुर जी जन्म ले। जैसे स्वाभाविक रूप में कि माँ बच्चों को शासन करती है, डांटती है, डपटती है, हैं उसको हैं उसको कान मोल देती है, बांध देती है, मैं रूप में कृष्ण दे दिया। लेकिन जब आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इधर क्या हुआ, अभी तो उनका आशीर्वाद दे दिया, अभी कैसे होगा? लेकिन जो नंद और यशोदा ये नित्य कृष्ण का नित्य परिकर है, ये चीज को समझो, ये नित्य परिकर हर समय कृष्ण का पिता माता कौन है? कहते नंद और यशोदा। जब नंद यशोदा जन्म हुए तब इनके अंदर में जो द्रोण और जो धरा थे इन्होंने क्या किया, इनके अंदर में मिल गए। मिलने पर इन्होंने अनुसंग रूप में भी उनको साथ साथ में भी वात्सल्य रस को आस्वादन की। कहते उसी तरह जो अष्टम वसु इसने क्या किया, ये भी आकर के नंद बाबा में मिल गए। जब मिल गए इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं, जो वासुदेवाय शब्द कह रहे हैं, ये किसको के लिए कह रहे हैं? कहते ये श्री अष्टम वसु उसको कह रहे हैं, और विशेष करके यहाँ पर नंद बाबा को कह रहे हैं, हैं ये नंद बाबा के लिए कह रहे हैं। इसलिए नंद गोप कुमाराय, इसलिए पहले तो वसुदेव बोल दिए, फिर देवकी, फिर यहाँ पर देवकी नाम भी आए, बोले फिर ये देवकी तो फिर इसको क्या करोगे? बोले श्री नंद बाबा की कहते श्री यशोदा मैया के दो नाम थी, द्वे नामा बोले यशोदा की दो, फिर उसको आगे उन्होंने क्लियर कर देते हैं नंद गोप कुमाराय हैं। अगर कोई शंका करेगा तो कहते कृष्ण कौन है, नंद के लाला है, ये नंद के नंद गोप कुमार किसका बेटा है, नंद का ही ये बेटा है, ये श्री नंद का बेटा। आप बोलोगे क्या फिर देवकी की बेटा नहीं है, फिर ये वसुदेव का बेटा नहीं, बोले उनका भी बेटा है, उनका भी गोकुल में कृष्ण जन्म हुए। उसको बाद में कहते नमो पंकज नाभाय, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। भगवान को सारे अंगों को यहाँ पर कमल 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 को साथ में हैं,
कहते नमो पंकज नाभाय, कहते यहाँ पर भगवान की जो नाभि है कैसे पंकज नाभि, नाभि कमल भगवान में देखो कितना कमल है, हस्त कमल कितना दो हो गया, नाभि कमल कितना हो गया तीन हो गया, मुख कमल कितना हो गया कितना हो गया चार हो गया, चरण कमल कितना हो गया, नेत्र कमल दो नेत्र है कितना हो गया आठ, इसलिए के लिए भगवान शरीर में कहते ठाकुर के पास में आठ कमल, ठाकुर का शरीर में आठ कमल। तो यहाँ पर कहते हैं उन्होंने ये कमल को साथ में क्यों उदाहरण दिया भगवान को, कहते जो कमल फूल है ना, जब आप कमल फूल को देखो ये आंखों को बड़ा आनंद देता है, हैं ये आंखों को बड़ा आनंद देता है, उसी तरह जब भगवान कृष्ण को दर्शन करो क्या होता है ये आंखों को ठाकुर जी बड़े आनंद देते हैं। ये आंखों का सार्थकता किस में, कहते अखनो फलतादरी सब किसकी वैष्णव जी, हाँ इसलिए कहते यहाँ पर कहते हैं और गोपियाँ कहते हैं अखनताम फलम इदम न पार विद्यमा, कहते आंखों का वास्तव का फल किया है, बोले जब ये कृष्ण को दर्शन करे केवल आंखों का यही फल और कोई फल नहीं है, ये आंखों के बड़े कृष्ण। इसलिए कहते जिन्हें आंखों से भगवान को दर्शन नहीं करते हैं वो आंख नहीं बोले वो पंख, जैसे मोर पंख में बड़े सुंदर नेत्र बना हुआ रहता है, बोले भैया वहाँ भी तो आंखें बनी हुई रहती हैं, वो आंखों का क्या काम है, हैं? इसलिए भगवान को हर अंग को उन्होंने पंकज को साथ में तुलना दिया है कमल को साथ में। कहते विषाद महाग्नि, श्लोक याद है, इस श्लोक को याद कर लेना, अच्छी श्लोक है, बोलो बोलो उसके बाद में, हाँ हाँ हाँ, इसलिए यहाँ पर कह रही हैं, यहाँ पर श्री देवकी कह रहे बोले हे प्रभु, हाँ नहीं यहाँ पर कुंती कह रहे बोले हे प्रभु, देवकी के ऊपर में एक बार केवल विपत्ति आई है, केवल देवकी को आपने एक बार ही उद्धार किया, लेकिन प्रभु हमारे ऊपर में इतना विपत्ति हमारे पास में आई, हर विपत्ति में आप हम लोगों को रक्षा किया। तब यहाँ कुंती गिनाती हैं हमारे ऊपर में कब कब विपत्ति आई, आप हमें कब कब रक्षा किया, एक श्लोक में बहुत अच्छे श्लोकों को याद करना, बोले पुरुषात महाग्नि पुरुषात अदर्शनात् असत सभाया बनवास कृच्छात् मृधे मृधनेक महारथास्तत्र द्रोणस्तत्र चास्म हरे हरे भी रक्षिता। अब कितना बार हमें उद्धार किया, बोले कब कब किया, बोले विषात महाग्नि, भीमसेन को भीष का लड्डू खिला दिया था, इसलिए उस समय भी कृष्ण उनको रक्षा किया है, फिर भीम कहाँ और वहाँ पीकर 10,000 ताकत लेकर के फिर जब आए, बोले भैया इसको तो हम तो मार दे, जहर देकर फेंक दी थे तो और मोटा सोटा और हृष्ट पृष्ट आकर के रखे बन करके आए, क्योंकि जा के रखे साइया मार सके ना कोई, इसलिए कहते हैं अब 20 फिर महाग्नि जो जादूगृह है इसमें लाक्षागृह आपको घर के पास में ही है, लाक्षागृह में जब उन्होंने पांडवों को आग लगा दी उस समय रक्षा किसने किया, कृष्ण ने किया है। कहते उसके बाद में असत सभायाम, जिस समय में जुआ खेल रहे थे और सब कुछ कपट जुआ से उन्होंने सब कुछ हार गए, जब उन्होंने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया उनको भी हार गए, दुर्योधन ने कहा दुशासन अभी द्रौपदी राजकुमारी रानी नहीं हमारी दासी, जाओ पकड़ करके ले आओ, और चोटी को कैसे पकड़ पकड़ घिसट घिसट कैसे ले आए और उनको वस्त्र हरण करने के लिए कैसे कैसे कोशिश की, और द्रौपदी ने दोनों भुजाओं को उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरि, जब उन्होंने भगवान को बुलाए ठाकुर जी स्वयं वस्त्र बन करके प्रकट हो गए, दुनिया क्या देख रहे थे, साड़ी की कोई नारी न नारी बीच कोई साड़ी है, इसलिए कहते वनवास कृच्छत, कहते वनवास में जैसे दुर्वासा जी आ गए हैं भेज दिया दुर्वासा जी को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी वहां भी उनको रक्षा किया है, हैं कहते मृदे मृदे नेक एक बार नहीं, कहते प्रभु अब हमको अनेक बार रक्षा किया है, बोले कहाँ पर, बोले रथास जिस समय युद्ध कर रहा था, किसको साथ में, पितामह भीष्म को साथ में जब युद्ध कर रहे थे, इनका इच्छा मृत्यु है भीष्म का, ऐसे मरने वाले नहीं भीष्म, और उनका जो बाण है ना अचूक बाण है,
लेकिन वहाँ पर रक्षा करने वाले कौन थे? बोले ठाकुर ही रक्षा किया है। बोले द्रोणस्तत्र, जिस समय अस्वस्थ माने जैसे ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, किसने रक्षा किया? बोले आप ही रक्षा किया हो। हरे भी रक्षिता, बोले प्रभु आप बहुत बार हमारे ऊपर में बहुत बार आप हम लोगों को रक्षा किया है। हाँ, सर्वभाव में। उसके बाद में कहते हे प्रभु, देखो ये श्लोक को लिख लेना, क्या है? जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, उसके बाद में, उसके बाद में, हाँ हाँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये बहुत अच्छे श्लोक है। कहते प्रभु जिसके पास में चार चीज होगा ना, ये तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले क्या? बोले उच्च कुल में अगर जन्म हो जाए, ऐश्वर्य जिसके पास में ज्यादा पैसा हो जाए, श्रुत जिसको पास में ज्यादा ज्ञान हो जाए, श्री जिसका चमड़ा थोड़ी सी सुंदर हो जाए, हीरो हीरोइन हो जाए, हैं? फिर तो कहते प्रभु ये लोग सहज में तुम्हारी भजन नहीं करेंगे ये लोग। कहते चार चीज की बात छोड़, जिसके पास में एक चीज भी आ जाए ना, इसलिए कहते ना प्रभुता पाई कामद नाई। किसको अंदर में ये अभिमान नहीं आता है ये प्रभुता को पा करके? लेकिन अगर किसको पास में है ये चीज, लेकिन प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, क्या समझो? भगवान की बहुत बड़ी कृपा उनके ऊपर में, ठाकुर जी की बड़ी कृपा इनके ऊपर में जो भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए कहते प्रभु आप कौन हो? बोले नमो अकिंचन वृताय, हैं, नमो अकिंचन वृताय निवृत गुण वृताय। श्लोक याद है? नमो अकिंच, आप किसके बीत है, आप किसकी संपत्ति है? बोले जो अकिंचन है, अकिंचन मतलब है इसी जगत में बड़े जो दीनहीन। देखो इस यहाँ पर दो तीन अर्थ होता है। कहते नमो अकिंचन बीताय, हैं, कहते आप किसकी संपत्ति हो? बोले जो अकिंचन, जिसके पास में कोई चीज नहीं। बोले कोई चीज नहीं? अब भागवत में देखो युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर और महाराज थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, अम्बरीश महाराज वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे, ध्रुव महाराज, प्रह्लाद महाराज, भरत महाराज, जितने भगवान की भक्त है ना सब महाराज महाराज, छोटे मोटे कोई नहीं थे, छोटे मोटे कोई नहीं थे, सबके सब महाराज थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कोई कोई सोचते हैं ना भैया हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, देवादेवी कुछ भक्ति करेंगे, क्योंकि शंकर दुर्गा इसको पूजा करने से बहुत धन दौलत मिलता है, और कृष्ण भक्ति तो वही लोग करते हैं जो साधु बनना मुक्ति बनना चाहते हैं। हमको तो पुत्र परिवार हमको चाहिए, हम रुपया पैसा चाहिए है। इसलिए कहते नहीं भैया, भगवान जब देते हैं ना, ठाकुर जब देते छपर फाड़ करके देते हैं, ऐसे नहीं, वो छपर फाड़ करके देते हैं। इसलिए देखो सबके सब महाराज है ना, छोटे मोटे नहीं सब महाराज। और पांडवों का पत्नी कौन थी? कुंती, ये थी द्रौपदी थी। द्रौपदी कौन थी? मिस यूनिवर्स उस समय विश्व सुंदरी, उसको पाने के लिए सब तरसते थे ये द्रौपदी मिल जाए, इसलिए उनके लिए स्वयंवर सभा हुई। लेकिन कृष्णा यहाँ पर कौन था? कर्ण था, वो भेद कर सकता था, लेकिन कृष्ण करने नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जगत का जितने सब सुंदर स्त्री मेरे भक्तों को मिलनी चाहिए, हाँ। इसलिए सुभद्रा को देखो, सुभद्रा पहले बलदेव प्रभु क्या किया, दुर्योधन को साथ में ये कर दिया, दुर्योधन को बोले हाथ थमाएंगे, लेकिन कृष्ण बोले नहीं मेरी बहन इतना सुंदर ही, हाँ मैं साला साहब ये दुष्ट का बनूंगा दुष्ट का बनूंगा, मैं साला बनूंगा तो अर्जुन का बनूंगा, क्योंकि जो अर्जुन है ना ये कृष्ण का कुछ अंश अर्जुन के अंदर में, और जो जो सुभद्रा ये सख्यात लक्ष्मी स्वरूपिणी, ये साधारण नहीं लक्ष्मी स्वरूपिणी, लक्ष्मी को थोड़ी कोई शादी कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन के अंदर में कृष्ण का कुछ कला अर्जुन के अंदर में विद्यमान है, इसलिए कृष्ण ने बहुत घुमा फिरा करके उन्होंने क्या किया, बोले द्रौपदी को तुम, सुभद्रा को तुम हरण कर लो, हैं, हरण कर लो। इसलिए भगवान कहते सुंदर राज्य अगर भाई अगर मिलेगा तो मेरे भक्तों को, इसलिए अर्जुन कितने युधिष्ठिर का भाई है, कितने सुंदर है, और भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, अगर नकुल और सहदेव हैं, कहते क्या सुंदर थे, सहदेव को सुंदरता का अंतिम बताते हैं, इतने नकुल सहदेव हैं। इसलिए कहते अगर किसका सुंदर भाई अगर मिले मेरे भक्तों का, सुंदर स्त्री हो तो मेरा भक्त का, अगर पूरा राज्य अगर किसको मिले, मेरे भक्तों को मिले और किसी को नहीं मिले, क्योंकि भगवान सड़ ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है, ठाकुर जी सड़ ऐश्वर्यपूर्ण है,
इसलिए भगवान कहते ऐसे मत समझो मेरे जो भजन करने वाले निर्धन होते नहीं। सुदामा का जब दिया छप्पर फाड़ कर दे दिया ठाकुर जी, सोने के महल दे दिया। इसलिए छप्पर फाड़ करके देते हैं। हरे कृष्णा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले नमो अकिंचनों का भीतर कौन है, बोले भगवान अकिंचन का, अकिंचन का भीतर ठाकुर जी अकिंचन का भीतर है। और दूसरा अर्थ होता है अकिंचन ही जिसका कत अकिंचन गण ही जहर भीतर, बोले भगवान का जैसे भगवान का संपत्ति कौन है भक्त, और भक्त का संपत्ति कौन भगवान। इसलिए कहते अकिंचन का जो भीतर भगवान और भगवान का जो वित्त है भक्त, दोनों दोनों का ही यहाँ संपत्ति संपत्ति है। कहते ये प्राकृत धन नहीं अप्राकृत धन, कृष्ण प्रेम रूपी धन में भक्त धनी है, कृष्ण प्रेम धनी में, इसलिए प्रेम धन में। हाँ इसलिए उसके बाद में कहते और एक श्लोक है, इस श्लोक को और एक श्लोक लिख लो बोले। हाँ यहाँ पर मैया कुंती है, मैया कुंती कहती है बोले कन्हैया तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है, तेरे को समझना बड़ा कठिन है, मैंने अपना आंखों से देखा। बोले क्या देखा, बोले जिस समय मैं उस समय था वृंदावन में हैं, मैं था गोकुल में, एक समय तुमने मटकी फोड़ दी हैं, मटकी जब फोड़ दी मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया। बोले मेरे सास का समय की मटकी थी, पता नहीं कितना घी पी कर कितना मजबूत हो गया, और तुमने मटकी फोड़ दी, मैया को तो बड़ा क्रोध आया, बोले इसको कुछ दंड देनी चाहिए, और जाकर कृष्ण को उनने पकड़ लिया। जब पकड़ ली एक हाथ में छड़ी दूसरे हाथ में हाथ पकड़ कर रखी, जब पकड़ कर रखी बोले अभी तेरे को मारू, जब छड़ी को ऊपर करती कृष्णा पीछे चले जाते हैं। कहते उसी समय मैंने देखा रुदंतम नेत्र जुग्म मृजंतम कराम भोज जुग्मे न सातंक नेत्रम मुहुर श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दाम दरम भक्तिवधम है। इसलिए कहते भगवान उस समय शिशक शिशक करके रो रहे थे, मैया ने मोटी मोटी काजल लगा दी थी हैं, इतने में कृष्ण रो रहे थे और आंखों को मसल रहे थे हैं, उस समय मानो गंगा जमुना की जैसे धार बह रही है उस समय। इसलिए मुहुर श्वास कंप बुहर मुहर श्वास ले, मैया मेरे को मारो मत, मैया मारना नहीं, मैया मेरे को मारो मत मैया हैं, गले में त्रिकंठी पड़ी हुई थी। कुंती कहती है प्रभु मैं भी वहां पर थी हैं, मैंने जब आपको देखा कद जिनकी एक भ्रुकुटी अगर उनका टेढ़ी नजर हो जाए ना, उस समय में काल भी थर 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 के कांपते हैं, लेकिन आज स्वयं जो काल का काल है मैया कुंती के डर से थर 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 कांप रहे थे आप। मैंने तो देख करके आश्चर्य में पड़ गई, कृष्ण क्या सचमुच से रो रहे ना कि नाटक कर रहे, कुंती कह रही क्या नाटक कर रहा है ना, सचमुच से रो रहा है। मैंने ध्यान देख करके देखा, ध्यान देख करके देखा आप सचमुच से रो रहे थे, नाटक नहीं कर रहे थे, अब सचमुच से ही रो रहे थे प्रभु। इसलिए प्रभु आपको देख रहे मैं भी स्वयं चकित हो गया, मैं भी स्वयं चकित हो गई, इसलिए प्रभु तेरी माया को समझना बड़ा कठिन है प्रभु जी। इसलिए मैया कुंती ने भगवान को तरह तरह जब स्तुति की, इतने में कृष्ण ने कहा बुआ जी आज तो तुम उल्टा गंगा बहा रहे हो, मेरे को तुम स्तुति कर रहे हो उल्टा, कहा मेरे को मुझे तुम्हें स्तुति करनी चाहिए, अगर तुम्हें अपना बुआपन को स्थगित कर दिया ना, मैं भी अपना भातीजापन को भी यहीं पर बंद कर देता हूँ, मांग झोली फैला करके क्या मांगना चाहते हो। तो मैया कुंती ने क्या मांगा, विपद संतुन साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु, ये श्लोक भी याद कर लेना है। बोले प्रभु मेरे झोली में आप विपत्ति भर दो। बोले विपत्ति क्यों चाहते, दुनिया तो संपत्ति चाहती। बोले प्रभु हैं, कहते सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि और दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए। इसलिए प्रभु मेरी झोली में दुख दे दो। देखो इस चीज को अच्छी तरह समझ लो। अभी यहाँ प्रश्न होता है क्या भक्तों घर में दुख ही दुख आए, यहाँ पर मांग रहे ना प्रभु दुख दो, दुख में तेरा स्मरण होता है इसलिए मेरे को दुख ही दुख दे दो, इसका मतलब क्या जो भजन करे दुख ही दुख है। बोले नहीं ऐसे बात नहीं, देखो ये चीज को अच्छी तरह से समझाते हैं, इसका समझाते उदाहरण दिया है। जैसे आपका घर का पड़ोसी कोई व्यक्ति, उसके साथ में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा,
कभी कभी माँ क्रोधित होकर अपना बेटे को बोले, देख बेटा अगर जहर खा करके मर जाना तो मर जाना, लेकिन जो पड़ोसी के घर में नहीं जाना, पड़ोसी घर में क्यों लड़ाई उसके साथ में ना, पड़ोसी के घर में नहीं, अगर जहर खा कर मरना तो मर जाना लेकिन पड़ोसी घर में जाना नहीं। इसका मतलब क्या, तू जहर खा कर मर जा, इसका मतलब क्या, पड़ोसी घर में मत जा। यहाँ पर कुंती जो कह रही विपत्ति जो मांग रही, विपत्ति नहीं मांग रही, बोले हे प्रभु मेरे को इतना ही आशीर्वाद करो जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, भले ही तू जिस स्थिति में रखना मेरे को रख ले, लेकिन प्रभु जैसे कभी तेरे को भूलो नहीं, ये संसार का वस्तु तो आएगा जाएगा लेकिन तेरी भक्ति तो नहीं मिलेगी ना, इसलिए हर स्थिति में जैसे तेरे को याद करते रहे, तेरे नाम लेते रहे, तेरे भजन करते रहे, यही मांग रहे, विपत्ति नहीं मांग रही, विपत्ति नहीं मांग रही। कोई सोचेगा ना नहीं भक्तों घर विपत्ति विपत्ति आए, नहीं विपत्ति नहीं, बोले हर समय जैसे हर समय तेरी नाम जप करते रहे, भक्ति करते रहे, ये चीज को भैया कुंती भगवान से प्रार्थना कर रही है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्ण, कल की कथा कौन सुनाएगा, महाभारत की कथा तुम सुनाओगे, आ जाओ देखते हैं तुम क्या बोलते हो, खड़े हो जाओ, मैं इसको बंद करता हूँ।